अस्सलाम वालेकुम दनान भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दनान भाई हैं जो हमारे, इनका एक तो वलीमा है और दूसरा दो सिस्टर्स जो हैं उनकी शादी भी है। तो जो है ना खाने का बंदोबस्त, वो ड्यूटी लगी हुई है हमारी। तो मैं आपको ना किचन विज़िट करवाऊँगा, ये जिस मैरिज हॉल में हम खड़े हैं, आइए आपको इनका किचन भी विज़िट कराते हैं और जो जो बन रहा है वहाँ पर वो भी आपसे शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आ चुके हैं, दो बराते थी, सब मेहमान आ गए। अभी निकाह हो रहा है, निकाह के फौरन बाद जो है वो खाना तकसीम किया जाएगा। तो अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ किचन का, जहाँ पे खाना बन रहा है। तो पहले फूड टेस्ट करते हैं, फिर मेहमानों को देंगे। भाई मेरे साथ और दोस्त आ रहे थे, तो रस्ते जी आ जाओ सर, तुम मैंने ज़रा पतीलियाँ का विज़िट कराना चाहना। ये है जी हमारा स्टीम, बारी बारी खुशबू जो है ना वो तो ज़बरदस्त आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक प्लेट से चेक करो, हाँ जी ठीक है। मुझे भूख भी वैसे लगी हुई है, लेकिन इंतहाई लजीज और जूसी बना हुआ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पुलाव भी बिल्कुल तैयार है, जबरदस्त। थोड़े ये जो कटने ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़े। ग्रेवी के पाए बोटी भावे ना आओ ग्रेवी हो, अबे वो बोटी एक ही बड़ी है, ग्रेवी निकलती है तो कट के पाओ बस। बहुत बहुत है। अभी जो है ना निकाह हो रहा है और निकाह के फौरन बाद खाना जो है वो सर्व कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। हम क्योंकि यहाँ पे जो खाने का डिपार्टमेंट है वो मेरा है, तो इसलिए हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उमर भाई हैं हमारे, तो इनको तो वैसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ जी, कैसा चिकन? अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह। अनाया भी आई हुई है मेरे साथ शादी पे, अनाया था देखो माशाल्लाह। और मोहम्मद अयान, अयान तंग करना शुरू कर दिया इसने हमेशा की तरह। मैं ले के आता हूँ, चलो आओ। दुकान वाले ने, वो भाई ने नहीं दिया सैलड और केचप? केचप बड़ो राधो 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 स्तारी, क्योंकि पहले स्टीम आएगा इसलिए केचप रखना जरूरी है। इस साइड पे बैठे हुए हैं दूल्हे, दोनों भाई हमारे, वो भी आपको दिखाते हैं। एक ये भाई है और एक भाई, इधर भी एक मूवी मेकर है, इधर भी तकरीबन 330 बंदूक की सेटिंग थी, 330 बंदूक की सेटिंग लगाई हुई है, 330। तो मतलब कम ही है जितने मेहमान हैं, 330 से ज़्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा टेबल कोई नहीं हमें लगाना पड़ा, जो टेबल जिन पे दोस्त बैठे हुए हैं मेहमान, उनमें से भी कुछ कुर्सियाँ जो है वो खाली हैं, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा मतलब टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर होगी तो जो मैरिज हॉल वाले भाई हैं उन्होंने कहा कि 20-25 बंदे जो हैं 30, उनकी टेंशन ही आपने। लेकिन हो गया जी, निकाह काम का इतना
वाह जी वाह। ये सबसे पहले ये जाने लगा स्टीम, ये इधर इधर हो रहा है। पहले जब सबसे पहले ये ना ट्रे में डाला जाएगा। ले जी स्टीम वाला काम जो है वो हो चुका है शुरू। सबसे पहला पहले स्टीम खाएंगे जी मेहमान हमारे, उसके बाद बाकी। वाह जी वाह। ले जी स्टीम जो है ना वो आ गया, हमला शुरू है। हाँ जी की पोजीशन है, पोजीशन की है, सही है काम। वेरी गुड जी माशाल्लाह। और साथ ही पीछे पीछे कौरमा भी तैयार है, चिकन इसे कौरमा ही बोला जाता है। चावल हो गया हो गया हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। ये बस 10 से 15 मिनट आपकी जो है ना दौड़ लगती है, उसके बाद खाना खाने के बाद इनके काफ़ी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर ठीक है काम? कोई चीज़ चाहिए तो नहीं? ठीक है इंतजाम? हाँ जी सर तुम्हें नहीं खाता खाना? साढ़े नाल साढ़े नाल खाओगे भुखे रहोगे, फिर साढ़े नाल रहोगे तो भुखे रहोगे, मैं साढ़े नाल रहोगे तो पतीले दे विच बैग खाना पैना, लास्ट पतीला चट लोगे ना। ठीक है तो माशाल्लाह सब मेहमान खाना खा रहे हैं। ले जी अभी अभी जो है ना खीर आ गई है लास्ट, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, अभी सिर्फ मेहमानों की खिदमत में जुटे हैं हम। ये खीर गार्निश मारो मारो गार्निश, काम ठंडा या ठंडा या ठंडा या ठंडा या ठंडा या ठंडा या ठंडा सर या ठंडा। तकरीबन खाने वाला काम खत्म हो गया, लास्ट में स्वीट और ठंडी खास खीर जा रही है। ਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੀਰ ਹੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਅਬ ਲਾਸਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਮ ਭਾਈ ਕਰਮ ਭਾਈ ਕੈਸੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਮ ਭਾਈ जो घर का बंदा होता है ना उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले मेहमान खाएं, कोई शिकायत ना आए, क्योंकि मेहमान जो होते हैं बारात वालों के साथ आए होते हैं, स्पेशली जो मेहमान होते हैं, तो उसके बाद लास्ट में वो खुद खाता है। अभी तक मैंने भी नहीं खाई। और इदनान भाई कुछ खाता?
अभी हम अभी जुटे हैं मेहमानों की खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा भी आया और सब कुछ अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छा मैनेज हो गया। मेहमान बहुत खुश थे, खाना वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गया और थक हार के हम भी घर पहुंच चुके हैं। तो ये है कि जब इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो इधरान भाई जो हमारे वो कज़न भी हैं और कज़न से बढ़कर हमारे भाई भी हैं, तो उनकी सिस्टर्स कज़न सिस्टर हमारी यानी कि हमारी सिस्टर्स की शादी थी, तो हमें ये था कि जितना हम कर सकें बाहर चढ़ के जो भी काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया उसको हमने कोशिश की कि काफ़ी दिनों से हम उनके साथ मतलब शादी के जो घर होते हैं उनमें बहुत सारे काम होते हैं, इधर जा कभी उधर जा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ, सब अच्छे से हो गया। अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, यही दुआ हम कर सकते हैं। तो बस यह है कि मज़ेदार था सारा सेटअप, मेहमान बहुत खुश हुए, सब अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गया। तो आपसे ये छोटी सी वीडियो शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हर बहन को जो है ना वो ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए और तमाम बहनों के नसीब जो हैं वो अच्छे करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।